नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ इलिट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का। और हम लोग का संवाद आज हमारा है श्री रजत बंसल से, जो एक आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धमतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। और हम लोग इलिट्स में इस जो अभी जो कोरोना का जो पीरियड है, जो इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, इस समय हम लोग देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और कैसे उन चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं जो लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग संवाद कर रहे हैं। तो रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आज आप इस कार्यक्रम में आए। हम लोग अभी जूम और फेसबुक पर लाइव हैं, तो हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो ईगव और जो हमारी अदर मैगजीन्स है, ई हेल्थ, बैंकिंग एंड फाइनेंस और डिजिटल लर्निंग, सभी लोग हमको जो है आपको लाइव देख रहे हैं। तो धन्यवाद आने के लिए। Thank you, Gupta ji. Thank you. And it's always a pleasure to come back to ILETS. We have done a lot of programs together in different capacities. And it's my pleasure ki aaj aapke madhyam se hum logon ne apne jile mein kya kiya hai, rajya mein kya ho raha hai, ye logon tak kis baat ko pahuncha paaye. Thank you. To Rajat ji, iske pehle ki hum log aapke jile ki baat kare, aur chuki bahut se log jude hain jo अलग अलग राज्यों से इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं जिससे कि जो ऑडियंस आपके साथ जुड़ पाए। एक थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन और अब तक का करियर इन द आईएएस सर्विसेज, आपने क्या क्या विभाग आप जो है अब तक, एक बार वो बताएं। मैं 2012 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं आईपीएस में था एक साल के लिए। 2011 बैच में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट में आईएएस में छत्तीसगढ़ कैडर में आना हुआ। यहाँ पर मैं रायगढ़ जिले से मेरे करियर की शुरुआत हुई। सबसे पहले रायगढ़ में मैं सहायक कलेक्टर था, जो प्रोबेशनर होते हैं। उसके बाद एक साल मैं मोहला में था, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में। फिर कुछ समय के लिए मैं सीईओ जिला पंचायत था और उसके बाद लगभग 2.5 से 3 साल तक मैं रायपुर में म्यूनिसिपल कमिश्नर कम स्मार्ट सिटी का एमडी था, जिस हैसियत से मेरी आपसे भी परिचय हुआ और काफी अच्छा काम करने को अर्बन में मौका मिला। तो देखा जाए तो अभी पिछले लगभग 8 सालों में कई कैपेसिटीज में काम करने का मौका मिला है छत्तीसगढ़ राज्य में, और अपना बेस्ट करने की उम्मीद रखता हूँ सब जहाँ भी रहता हूँ। और अगर मैं अपने जिले के बारे में बताऊँ अभी, तो अभी मैं धमतरी जिले में पदस्थ हूँ, बताया लगभग 1.5 साल होने वाला है यहाँ पर कलेक्टर के रूप में पदस्थ होने में। ये सबसे समृद्ध जिला है छत्तीसगढ़ राज्य का, और छत्तीसगढ़ को अगर हम भारत का धान का कटोरा बोलते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर धमतरी जिला छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा एक तरह से, क्योंकि डबल इरिगेटेड है। यहाँ पर बहुत अच्छे डैम्स हैं, 3 डैम्स की संरचना है यहाँ पर, और रायपुर से एकदम लगा हुआ जिला है, तो सेमी अर्बन हम लोग इसको बोल सकते हैं। और अब कोरोना के बारे में अगर बताऊं, तो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में जो हम लोग चुनौतियां देख रहे हैं वो इंटर स्टेट ट्रैवल से ज्यादा देख रहे हैं। हमारे खुद के जिले में अगर हम देखें तो फॉरेन रिटर्न्स लगभग 165 की संख्या में थे, लेकिन जो बाहर के राज्यों से आए वो आंकड़ा लगभग 2200 के आसपास जा रहा है। तो हमको मेन खतरा, क्योंकि धमतरी जिला भी उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है और एक तरह से फंक्शनली कनेक्टेड महाराष्ट्र से है, नागपुर एरिया से पूरा, यहाँ भी परिवार हैं कई मराठी समुदाय के, और उस तरह से महाराष्ट्र से कनेक्शन है प्लस उड़ीसा से कनेक्शन हमारे ग्रामीण क्षेत्र का है, तो वो एक हमारे लिए चुनौती है। एक अगर हमें जो ये समझाएं कि लॉकडाउन के पहले और फिर लॉकडाउन के बाद क्या क्या चैलेंजेस आए आपके पास, और एक मेजर जो इशू है जो जो जनता को खाद्यान्न पहुंचाना, उनकी जो एसेंशियल सर्विसेज उनको मिलती रहे हैं, और जो खासकर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको जो ये दिक्कत ना आए, तो उस पर अगर कुछ विस्तार से बताएं। गुप्ता जी, जैसे कि हम लोगों को पता है कि लगभग अब लॉकडाउन के 45 दिन होने वाले हैं, और ये लगभग 1.5 महीने का जो समय है, ये सबसे ज़्यादा इसमें संकट में हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे वर्स अफेक्टेड हैं। क्योंकि इस 45 दिनों में अभी तो खैर हमने काफ़ी चीज़ें
सिक्वेंशियली खुली हैं क्योंकि ग्रीन जोन में आता है धमतरी, लेकिन स्पेशली शुरुआत में अचानक से जब ये लॉकडाउन घोषित हुआ था तो कई लोग अपने अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, कई अलग अलग राज्यों के लोग हमारे धमतरी जिले में काम करने के उससे आए थे तो वो लोग भी फंसे हुए थे, और इन सबका अचानक से रोजी रोटी का जो साधन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ था, उनको खत्म हो गया था एक तरह से हमारे। तो इन सभी को जो दिक्कत आई उसको लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे अपील की थी सभी जिला कलेक्टरों को कि हमारी अपनी ओर से हम फंड रेज करें, तो यहाँ पर हमने उस अपील के तहत जिले से जब अपील की तो धमतरी जिले का एक सौभाग्य है कि यहाँ पर लोग जो है बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं और एक आत्मीयता का भाव है लोगों में धमतरी जिले में, एक छोटा शहर है, पुराना शहर जैसे होता है ट्रेडिंग टाउन वैसा है। तो पहले ही दिन जब हमने अपील की तो पहले ही दिन आपको यकीन नहीं होगा 15 लाख रुपए लोगों ने तत्काल डोनेट करने का संकल्प लिया, और उस भावना से जब लोग सामने आए तो उससे फिर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई। एक हमने गूगल फॉर्म का उपयोग किया था क्योंकि आईटी का हम लोग जहां ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश करते हैं, तो गूगल फॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचे थे, उन्होंने अपनी डिटेल्स डाली। कुछ लोग थे जो पैसे में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है पैसा 1000-2000 ही दे पा रहे थे, लेकिन अपने उन्होंने श्रम डोनेट करने के लिए बात की कि वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहेंगे। तो वैसे भी लगभग 1000 लोगों का डेटाबेस हमारे पास 5 दिनों के अंदर अंदर तैयार हो गया था। तो जिले के जो कोरोना में जो समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन की वजह से लोग घर में जरूर हैं, लेकिन और घर में रहना भी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कुछ करना जो कंपैशन की भावना है, आत्मीयता की भावना है, वो भी एक सामने निकल के आ रही है, वो भी एक अच्छा केस स्टडी हम लोगों को सबको देखने को मिल रहा है। एक बताइए कि जैसे आपने बताया कि ये जो है धान का कटोरा है आपका जो जिला है जहाँ पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, और इस वक्त हार्वेस्टिंग का टाइम था और लोगों को मंडियों में ले अपना जो है अन्न को ले जाना और अन्न की जो पूर्ति है जो अलग अलग राज्यों में आपके यहाँ से जो बाहर जाता होगा, तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो कैसे प्रभावित हुआ और कैसे आपने उसको हैंडल किया? एक बहुत ही अच्छा सवाल ये कार्तिक शर्मा जी ने अजमेर से पूछा है, और क्योंकि अच्छा। हमारे जिले से ये पूरा लागू भी होता है क्योंकि हमारा डबल क्रॉपिंग का जिला है धमतरी। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा पैडी का उत्पादन धमतरी जिले में होता है छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज्यादा किसान हमारे बहुत संपन्न भी हैं, तो कई सारी चीजें किसान में हुई। पहली चीज तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आप जानते ही हैं कि सबसे पहले छूट मिल गया लॉकडाउन से, वो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा फायदा वो सभी हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए रहा। दूसरा फिर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो दुकानें थी उनको भी खोलने की पहले ही राउंड में छूट केंद्र शासन से आ गया था और हमने भी उसको तत्काल लागू किया था। आज की डेट में भी अभी तो धान कटाई का सीजन आ गया है रबी का, तो हार्वेस्टर की भी जो मूवमेंट्स हैं वो भी हो रहे हैं, तो उनपे भी पूरी तरह की छूट है। इसमें जो चुनौती हमको मिली थी वो ये चुनौती थी कि कैसे हमारे किसान भाइयों और बहनों तक हम सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेजिंग पहुंचा पाएं और कैसे उन ये सुनिश्चित कर पाएं कि वहां भी ग्रामीण अंचल में भी जहां पर वो लोग किसानी के लिए जा रहे हैं वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करें। उसको लेकर के हमने हमारी जो संयुक्त रूप से टीम्स थी किसान संगठनों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप से के माध्यम से हमने बैठकें ली, उनको बताया कि भाई आप लोग इस चीज को जागरूक करिए किसानों को कि बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ एकत्रित ना हो और खेती अपने को करनी है। दूसरा एक ये बहुत बड़ा पहलू हमने यहाँ पर रखा था, शुरू किया था कि जो उनको बीज का और फर्टिलाइजर की जो सप्लाई होती है उसके लिए उनको शहरों में ना आना पड़े, क्लस्टर लेवल पे ना आना पड़े, वो उनको हमने ग्राम में ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जो कि एक प्रयास ऐसा था जो धमतरी जिले का बहुत सफल रहा और मैं मानूंगा कि बाकी स्टेट लेवल पे भी इसकी सराहना हुई और हमारे किसानों को भी इससे बहुत फायदा हुआ कि उनको एक तो डिस्टेंस की वजह से आने जाने का खर्चा बचा क्योंकि इस समय में कोई टैक्सी उपलब्ध नहीं है, कोई किसी प्रकार का ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है, तो एक खर्चा वो बचा, दूसरा उनके लोगों को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कर पाए। और दूसरा अगर बात करें तो जो हमारे ये एक अच्छा समय है कृषि क्षेत्र के लिए कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि हम हमेशा से चाहते थे कि प्रमोट हो, धमतरी जिले में हमारा फोकस पिछले 1.5 साल से रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का। इस समय जाने अनजाने में लोगों ने कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं फील्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज्यादा
उपयोग करना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो गौठान की स्कीम शुरू की थी, जिसमें हम लोग सुराजी गांव योजना में गौठान बना रहे हैं, उस गौठान में वर्मी कंपोस्ट हर गौठान में बनता है क्योंकि वहां उपलब्ध होते हैं उसके सारे रॉ मटेरियल्स। वो वर्मी कंपोस्ट हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं बनाती हैं और वही वो गांव में बेचती हैं। अब क्योंकि ये गांव का एक ग्रामीण अधोसंरचना बोले या ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसी के तहत उसको मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ एक कलेक्टर होने के नाते कि वो मजबूत दिख रहा है अभी छत्तीसगढ़ राज्य में। जो महात्मा गांधी जी की भी जो परिकल्पना थी, आप उससे अवगत हैं कि गांव अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक एंटिटी है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के समय वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। जो गांव में खुद ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के हों, चाहे वो अलग अलग ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र करके अलग अलग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो बनाते हैं, वो सारे प्रमोट हो रहे हैं और हमारे किसान इसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा, जो महिलाएं हैं उनका रोल हमको देखने को मिल रहा है अभी ग्रामीण अंचल में। स्व सहायता समूह की महिलाएं बहुत ही सक्रिय रूप से सामने आ रही हैं क्योंकि लॉकडाउन जरूर है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद कर रहे हैं। गांव को अगर हम यूनिट माने तो गांव के अंदर महिलाएं अपनी मीटिंग कर रही हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, साथ में अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जो आर्थिक जो उनकी गतिविधियां चलती थी उनको एक मौका मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट फोर्सेज हम देखते थे बाहर से आ रहे हैं उसमें कमी हुई है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी भी है, डेफिनेटली चैलेंज है और किसानों के लिए भी एक चैलेंज रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसको तो हमने सामना किया ही है, साथ में इसकी अपॉर्चुनिटीज को भी हमने नरेश करने की कोशिश की है। ये आपके जिले में माइग्रेंट लेबर्स की समस्या कैसी है, इसके बारे में बताएं। हमारे जिले में लगभग 280 लेबर्स ऐसे थे जो कि अन्य राज्यों से थे और यहाँ पर फंसे हुए थे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको निर्देश दिया था कि सभी की यहीं पर रहने की व्यवस्था करनी है और यहीं पर उनको मेहमान की तरह हम लोगों ने रखा। यहाँ पर उनको अलग अलग जगहों पर हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज बनाई थी, वहां पर उनको रखा, खाने पीने की उनकी व्यवस्था हुई, खेल कूद की व्यवस्था हुई, कई जगहों पर हमने स्किल ट्रेनिंग भी की और कई जगहों पर हमारे जो लेबर्स थे उन्होंने खुद से होकर के कई पुताई शुरू कर दी अपना कुछ, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हम लोग अपने खाली टाइम का उपयोग करें। और इस तरह से हमारे पास पूरे पहले चरण के लॉकडाउन में लोग थे, उसके बाद हमने उनको छूट दी कि भैया अगर आप राज्य में कहीं और काम करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो उनमें से कुछ लोग मोटा मोटी अभी सभी लोग जा चुके हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो कि धमतरी जिले में ही काम करना चाहते थे, वो भी अपनी अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो एक वो समस्या शुरू में आई थी लेकिन उसको भी हम लोगों ने समाधान किया। वर्तमान में ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, ये पिछले 2 दिन से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी खबर आ रही है, वहां पर बल्क में लेबर्स बाहर जा रहे हैं महाराष्ट्र से, और क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरहद महाराष्ट्र से काफी लंबी तरह से लगी हुई है, तो वो लेबर कई लोग पैदल निकल के जा रहे हैं सीधे झारखंड या बिहार। तो वैसे बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स हम देख रहे हैं कि हमारे एनएच में, क्योंकि धमतरी जिले में एक लंबा पैच एनएच का भी लगता है, तो एनएच में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स को हम देख रहे हैं कि झारखंड, उड़ीसा और बिहार, यूपी जाने के आतुर हैं और वो धमतरी से होकर के पैदल जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने कल से ही ये सुविधा चालू की है कि जितने हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट हैं और जितने भी हाईवे पे हमारे पुलिस के नाके हैं वहां पर हमने इन्फॉर्मेशन लगाई हैं और वहीं पर हमने आसपास के स्कूलों को हाईलाइट करके उनके रोकने की व्यवस्था की है। तो यदि मान लीजिए हम लोग एक बहुत बड़ा ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन में बोलूंगा इसको व्यक्तिगत कैपेसिटी में, और ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन में कई लोग ट्रकों से या फल सब्जी लाने वाले गाड़ियों से लिफ्ट लेते हैं और एक तरह से बोलेंगे तो छुप के उसमें से जाते हैं, तो इन लोगों को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग सामने आइए, आपको कहाँ जाना है हमें बताइए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये हम लोगों को निर्देश दिया है कि ऐसे जो भी लोग हैं जिस भी बॉर्डर में जिस भी राज्य में जाना चाहें उनको हम खुद अपने से गाड़ी करके छोड़ के आएंगे। तो एक ये जो बड़ा डिस्ट्रेस माइग्रेशन था, कुछ हम लोगों ने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट भी देखी कि 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला बच्चे 1.5 साल का बच्चा लेकर के बेचारी पैदल जा रही है, इस प्रकार के कुछ केसेस थे, तो माननीय सीएम साहब ने हमारे संज्ञान में लिया और हमको निर्देश दिया है। और आज ही की बात है कि हमको लगभग 16 लोग मिले जो कि झारखंड जाना चाह रहे थे, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहे थे, उनको हम लोगों ने फिर अभी गाड़ी करके रवाना किया है। तो एक ये ऐसा सवाल है जिसके उत्तर के लिए हम भी जूझ रहे हैं, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लेबर्स को ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा दे पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी जो है उनके जीवन यापन में उनके जीवन को कॉस्ट कर जाए, बीमारी बाद में आए उससे पहले ही उनको इस तरह की ह्यूमन कॉस्ट झेलनी पड़ जाए। बहुत अच्छा कदम ये बताएगी, ये सरकार उनको खुद गाड़ियों का इंतजाम कर रही है, पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। ये जो इस प्रकार के लोग जो आप एनएच पर देख रहे हैं कि लोग जो है चलकर अपने अपने
गाँव में जा रहे हैं, उनके कुछ रहने और खाने की व्यवस्था पे कुछ फोकस है आपका? बिल्कुल, हम लोगों ने पुलिस नाकों के पास ही स्कूल और बिल्डिंग्स ईयरमार्क की हुई है, वहीं पर हम लोग उनको रोक रहे हैं, वहीं पर रुकवा के उनका पूरा खाने पीने की व्यवस्था करा रहे हैं। और साथ में जब गाड़ी की अरेंजमेंट हो जाता है, जैसे मान लीजिए अलग अलग जिले के कोने में हमको तीन ग्रुप्स मिले जो कि एक ही तरफ जाना चाह रहे हैं, झारखंड ही जाना चाह रहे हैं, तो उनको फिर क्लब करके हम लोग एक साथ एक से दो दिन के अंदर अंदर रोक भेजे रवाना करेंगे, ऐसी हमारी व्यवस्था है। और आपके क्या जिले में कुछ फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका लाइक वो क्या स्टार्ट हो गई, ओपन हुई? फैक्ट्रीज हमारे यहाँ राइस मिल्स बहुत हैं, क्योंकि जैसा मैं बताया धान का कटोरा होने के नाते यहाँ पर धान का उत्पादन बहुत होता है। तो धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिल्स हैं और लगभग 201 राइस मिल्स हैं हमारे पास। और एक बड़ी चुनौती हमारे पास ये थी कि जो ये धान था हमारी समितियों में, क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, तो उसको जो प्रोक्योर्ड धान था उसका निष्पादन करने के लिए, उसका पूरा उपज को यूज करने के लिए राइस मिल्स को चलवाना जरूरी था। तो उसके लिए हमने गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया, साथ में अलग अलग गांव से एक एक मिल को टाई अप किया कि आप लेबर और कहीं बहुत दूर मत जाइए, पास के गांव से लीजिए, उस लेबर को आप सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के सारे साधन दीजिए, उनको पूरा प्रशिक्षण देते हुए उनसे काम कराइए। तो राइस मिल्स तो हमारी अच्छे से चल गई, हमारे धमतरी जिले में आज की डेट में कोई समिति नहीं है जहां पर धान बचा हुआ है, वो भी पूरा हो गया। उसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज यहां पर हैं जो कि अपना काम कर रही हैं, जिनके ऊपर राइस मिल्स आधारित हैं वो लोग भी कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं, उसके भी काम अभी चल रहा है, साथ में माइनिंग का भी जो रिलेटेड काम है वो भी अभी चालू हो गया है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी 28 जिले हैं, उसमें से मैं मानना है कि 27 जिले अभी ग्रीन जोन में है, तो इस वजह से क्योंकि पूरा राज्य ही ग्रीन में है तो इसलिए हम लोगों को आसानी हो रही है इंडस्ट्री को शुरू करने। आप लोग लकी हैं कि अभी तक ग्रीन जोन में हैं और आप लोग बने रहे, ये हम सबकी दुआ है। ये बताएं कि अभी जो पार्शियली जो लॉकडाउन धीरे धीरे ईज आउट हुआ है, ओपन अप हुआ है, तो अभी क्या क्या अभी भी जो सर्विसेस हैं या फैसिलिटीज जो अभी भी क्लोज्ड है आपके यहाँ? अभी वर्तमान में अगर देखें तो एक तो पान ठेले, अभी आपके मीटिंग आने से जस्ट पहले मेरे को एक डेलीगेशन मिला था जो पान ठेले खुलवाना चाह रहा था, एक पान ठेलों का दिक्कत है। दूसरा सलून्स की दिक्कत है, सलून की दुकानें अभी नहीं खुल पाई हैं। तीसरा मॉल्स तो अभी नहीं खुले हैं, हालांकि उनके बहुत ज्यादा डेलीगेशन हमारे पास नहीं आते हैं क्योंकि थोड़े उच्च वर्ग के लोग होते हैं तो वो उनका वहीं से। उसके अलावा होटल्स में भी हमने होम डिलीवरी अलाउ किया है, अभी हमारे जो होटल संचालक हैं वो चाह रहे हैं कि हम पार्सल सुविधा ओपन कर दें। इस विषय में कलेक्टर होने के नाते क्योंकि हम लोगों को डिसाइड करना है, तो धमतरी में हमने जो अभी स्टैंड लिया है वो होम डिलीवरी को ही हम लोग अलाउ कर रहे हैं। अगले एक हफ्ता 10 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी जो विशेष श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है उससे कई मजदूर दिल्ली से, कई महाराष्ट्र से, गुजरात से अभी आने की संभावना है। एक बार वो लोग यहाँ पर आ जाएं, उनका क्वारंटाइन शुरू हो जाए, हम लोगों का उनका टेस्ट हो जाए, कोई पॉजिटिव ना निकले, एक बार थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो जाए, तो उसके बाद एज अ कलेक्टर आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन ओपनिंग दीज थिंग्स। बिकॉज जैसा आप भी जानते हैं पान ठेला खोलना बहुत आसान है, लेकिन पान ठेले पे एक बार एक साथ वो झुंड ही आता है, वो कल्चर झुंड का ही है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं उसको अभी, और जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी उसको उस तरह से कॉल लिया जाएगा। और एक चीज ये बताइए कि जो आपके यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अलग अलग राज्यों में जाता होगा, और ऑल दो हाईवेज पर ट्रक्स की मूवमेंट अलाउड है, बट फिर भी बहुत से ऐसा न्यूज आते हैं कि ट्रक के ड्राइवर मिल नहीं रहे या ट्रकों पर अभी भी लोगों को दिक्कत आ रही है, तो इसलिए जो है सामान की जो आवाजाही है वो हो नहीं पा रही है, तो उसके बारे में क्या स्थिति है आपके जिले में? जितने एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको छूट दी गई है ट्रक्स को लेकर के। जब पहली बार छूट दी गई थी तो जैसा आप बता रहे हैं इस तरह के कंस्ट्रेंट्स आए थे, क्योंकि जो नाके पे पुलिस का स्टाफ रहता है उनको भली भांति इस चीज का आइडिया नहीं रहता है कि किसके इस चीज में छूट है क्या है, तो उसको लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की जो वीसी हुई थी उसमें भी हमको निर्देश दिया गया था कि स्पॉर्ट्स ये स्पष्ट किया गया था कि कोई पास की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ से वीट कहीं जा रही है या राइस कहीं जा रही है, पैडी कहीं जा रहा है, तो
उसको अलग से कोई पास नहीं लगेगा, वो जो संबंधित पुलिस नाके पे उसकी जांच कर सकते हैं संबंधित पुलिस अधिकारी, और जांच करके उनको देखता है कि भाई पैडी है वास्तव में एसेंशियल कमोडिटी है, तो उसको अलग से कोई पास की जरूरत नहीं है। ये एक बार मैं समझता हूँ जब क्लियर हुआ, ये लगभग एक हफ्ता 10 दिन उसको लग गया था क्लियर होने में, जब वो क्लियर हुआ फील्ड स्टाफ को, तो उसके बाद इस तरह की दिक्कतें नहीं आ रही थी। अभी भी जैसे हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सवाल आए हैं चंडीगढ़ से भी कुछ सवाल हैं, तो अभी एग्रीकल्चर को लेकर दिक्कत ये आ रही है कि पंजाब हरियाणा से कुछ हार्वेस्टर हमारे यहाँ आते हैं, तो उनके जो ड्राइवर्स हैं वो वहां से पंजाब हरियाणा से विशेष रूप से आते हैं, क्योंकि और यहाँ छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों को चलाना नहीं आता है। अब क्योंकि वो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आवश्यक रूप से 14 दिन का क्वारंटाइन कर रहे हैं, और वो उसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई वी अंडरस्टैंड कि इसके इकोनॉमिक कॉस्ट हैं, उन बेचारों को 14 दिन का वेज नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं धान कटाई में लेट होगा, बट स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है, जान है तो जान है जो हमारा स्लोगन है उसमें चल रहा है, और उनको हम लोग अगर कोई दिक्कत हो रही है तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर, एक गेस्ट के रूप में यहाँ पर रख रहे हैं, और 14 दिन के बाद हम लोग उनको फ्री करके वो जैसे जो भी हार्वेस्टिंग का काम करना चाहें वो करवा रहे हैं। ये बताएं कि ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या मतलब, जैसे आपने बताया कि बहुत लोगों ने कंपैक्ट दिखाया, लोगों ने दान दिया, ये सब जो चीजें हुई, क्या ह्यूमन स्टोरीज उभर कर आई, मतलब कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको पर्सनली आपको मतलब बहुत मतलब इम्पैक्ट हुआ हो कि हाँ ये बहुत मतलब इम्पैक्टफुल स्टोरी है, लोगों ने हेल्प किया या लोगों ने मदद की, कुछ ऐसा है जो आप बिल्कुल। एक तो हम जब किसान बोलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो कई लोगों के जो सवाल आ रहे हैं किसानों को लेकर के आ रहे हैं, एग्रीकल्चर को लेकर के आ रहे हैं, जब हम किसान सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक छवि बनती है कि कोई जरूरतमंद होगा, कोई हो सकता है, खासतौर पंजाब हरियाणा में हम सुनते हैं कि किसान बहुत अमीर होते हैं, बट जब छत्तीसगढ़ के किसान की बात करते हैं तो हम लोग नहीं सोचते कि बहुत ज्यादा संपन्न होंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे धमतरी जिले में हर तरह का एरिया है, हालांकि कृषि प्रधान एरिया है, हमारे कुछ ब्लॉक बहुत ही सेमी अर्बन हम बोल सकते हैं जहां पर डबल क्रॉपिंग होती है, दूसरे साइड जो हमारा सदर्न एरिया है डिस्ट्रिक्ट का वो पूरा का पूरा आदिवासी एरिया है, जंगल है वहां पर पूरा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वी ऑल्सो हैव अ टाइगर रिजर्व इन आवर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर वी हैव अ पीवीटीजी जो प्रिमिटिव जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो कमार एक जनजाति है जो कि पूरा अभी भी हंटर गैदरर का काम कर रही है, वो उनको हम लोगों ने कई व्यवसाय से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है वो हंटिंग गैदरिंग का ही है, वो लोग नोमैडिक प्रकार के ही हैं, तो उनको सरकार ने, एक उदाहरण बता रहा हूँ उनके समझाने के लिए, तो सरकार ने उनको टिन शेड के घर बना के दिए थे, तो टिन शेड को उखाड़ के उन्होंने बेच दिया था कि भाई हमको शेड के नीचे नहीं रहना है, हमको खुला ही रखना है, और आज भी जो कमार के घर हैं वो मैं भी कई जगह विजिट किया हूँ, एक दो घर में मुझे रात्रि विश्राम करने का भी मौका मिला, तो उनके घरों में दरवाजा नहीं होता है क्योंकि उनको आदि नहीं है वो कि एक चार दीवारी में रहें, तो इस प्रकार की जो कम्युनिटी है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा एक बार कि यहाँ हम लोग दौरा कर रहे थे और हमारे एग्रीकल्चर का स्टाफ था और वो सब्जी बांट रहा था, वो कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं थी, हालांकि हम लोग ज्यादा जरूरतमंद तो उसमें अर्बन में फोकस करते हैं, लेकिन वो क्योंकि कम्हार जनजाति का वो एरिया था तो वहां हम लोग गए तो वहां सब्जी बांट रहे थे, तो मुझे लगा कि विभाग अपनी ओर से बांट रहा है, तो जब उतर के हमने पूछा वहां पर तो विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये सब्जी किसानों ने दान की, कुरुप के किसानों ने जिनके पास एक्स्ट्रा सब्जियां थी, एक्स्ट्रा धान था, उन्होंने फिर निकाल करके वहां से अपने बाड़ी में से कमिट किया था कि हमको इतने क्विंटल चाहिए, इतना हम बेचेंगे, बाकी इतने क्विंटल हम दान करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी केस स्टडी ये थी कि किसान ही किसान को दान कर रहा है, मतलब एक तरह से कम्हार जो है वो खुद किसानी नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा हंटिंग गैदरिंग में विश्वास रखते हैं, उनको दान करने के लिए किसान सामने आए, एक बहुत अच्छा ये केस स्टडी हमारे धमतरी में मिली। दूसरा एक केस स्टडी एक अलग ही प्रकार की है जिसकी अभी हम लोग मीटिंग करके आए हैं जस्ट, कि ये जो समय है कोरोना का, अभी हम नहीं जानते कि लॉकडाउन पूरी तरह से कब खुलेगा, स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं जून जुलाई में खुल जाएं, कोई बोल रहा है दिसंबर में खुलेगा, वर्ल्ड WHO का एक आंकड़ा बताता है कि एक साल बाद हो सकता है स्कूल कॉलेज खुलें, तो लेकिन ये जो समय है ये सबसे ज्यादा हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रभावित कर रहा है, उनको नेगेटिवली प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम एक तरह से एक शुरू में उत्साह था लॉकडाउन को लेकर के कि छुट्टी मिल गई है सबको, एग्जाम कैंसिल हो गए, छुट्टी मिल गई, बट वो छुट्टी एक जो आम जो हम समर हॉलीडे बोलते हैं वैसा कोई उत्साहित छुट्टी नहीं थी, लोग कहीं ना कहीं बच्चे विशेष रूप से डरे हुए थे क्या होगा, कोई भी न्यूज चैनल आज आप खोलिए या पिछले 45 दिन में आपने देखा होगा सब जगह नकारात्मक चीजें चल रही थी, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों को बीमारी हो रही है, एक नेगेटिव माहौल पूरे देश में पूरे गाँव में सब जगह पे सब हर घर में था,
उसका हमने यूनिसेफ के साथ मिलके इस बात पे चर्चा की, उनसे ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो हमारे बच्चों को एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और कैसे हम लोग इस समय को यूज कर पाए जो बच्चे खाली बैठे हैं कि कुछ ना कुछ शैक्षणिक गतिविधियां कर पाए। तो यूनिसेफ के साथ एक कोलैबोरेशन करके हमने एक स्टीक प्रोग्राम डिवाइस किया, जिसमें यूनिसेफ ने कुछ छोटी छोटी वीडियोज बनाई जो कि एक पालक के नाते मैं अपने बच्चे के साथ कर सकता हूँ। क्या है, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, हम लोग का जो इनकम ग्रुप है, हम लोग गूगल देख सकते हैं, हम लोग यूट्यूब देख सकते हैं, हम ऐसी गतिविधियां अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। जो वास्तव में जो गांव का गरीब किसान है जिस या मजदूर है, डेली वेजर है, जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है आज की डेट में, वो कई बार इस पे फोकस नहीं कर पाता। तो उनको कैसे हम टैकल करें जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, उसको लेके हमने कुछ वीडियोज बनाई यूनिसेफ के साथ मिलके। उन वीडियोज को हम फिर बात हुई, सबसे बड़ा चैलेंज हुआ कि कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं कि पालक अपने बच्चों के साथ गतिविधियां करें। तो हम लोगों ने कई सारी चीजें सोची, सोचा वॉलंटियर के रूप में करेंगे, और क्योंकि टीचर्स को हम लोग लगातार सीधे आदेश करके नहीं लगा सकते, क्योंकि टीचर्स की तो अभी गर्मी की छुट्टियां ही चल रही है एक तरह से अगर लीगली देखेंगे तो पहले हुआ बात, कोई ना कोई कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हुआ पिछले 10 दिन से इस चीज को हम झेल रहे हैं। कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ टीचर के संघ ने ये बयान दिया कि हमसे कैसे काम करा रहा है कलेक्टर, ये अधिकार नहीं है, ये अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है। तो कल हमने एक बैठक ली संघ वालों के साथ, उनको समझाया कि ये हमारा उद्देश्य है, और उन्हीं में से एक टीचर ने निकल के, संघ के पदाधिकारी ने निकल के बोला कि हम पूरा का पूरा आपको सहयोग करेंगे। दूसरी चीज बात बोली कि भाई जब हम देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से हम भी घर में बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स और बाकी प्रशासन का अमला और बाकी सभी अमला लगा हुआ है कोरोना की लड़ाई में, कोरोना वॉरियर बना हुआ है, हम क्यों नहीं शासकीय अधिकारी कर्मचारी होने के नाते हम क्यों नहीं कोरोना वॉरियर बन सकते। तो उन्होंने अपना एक स्लोगन दिया कि हम भी हैं कोरोना वॉरियर। शिक्षकों ने जो पहले विरोध कर रहे थे कि हमसे गर्मी की छुट्टियों में काम ना लिया जाए, वो अब सामने आके बोल रहे हैं कि हम भी कोरोना वॉरियर, हमको आप तरीका बताइए, हम लोगों से जोड़ेंगे और बच्चों को घर बैठे बैठे क्या पढ़ाई हो सकती है हम कराएंगे। तो एक ये बहुत अच्छी केस स्टडी निकल के आई है कि लोग अपनी छुट्टियों से, अपनी शासकीय काम से, मैंने भी क्लियरली बोला कि भाई मैं कोई आदेश नहीं दूंगा आपको, अगर आपको वॉलंटियर के रूप में करना है तो आप करिए, आदेश मुझसे मत मांगिए। तो बोले कोई आदेश नहीं चाहिए, हमको बस काम चाहिए, आप बताइए क्या करना है हम करेंगे। तो एक अच्छा केस स्टडी आया है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, हर किसी को चिंता है कि क्या होगा हमारे देश का, हमारे भविष्य का, और खास तौर पे बच्चों के लिए जो टाइम है ये बहुत मूल्यवान समय है। आप और मैं जिस एज ग्रुप में, हमारे लिए 1-2 साल आगे पीछे चला गया, थोड़ा बहुत इनकम लॉस होता है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए पूरा एक तरह के सारे हमारे बच्चे 1 साल के लिए फेल हो जाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो कैसे हम इसको कम कर पाए वो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। कमाल की केस स्टडी बताई आपने कि जो स्कूल या टीचर्स ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ करना है। रजत जी, एक और जो चीज आप मीडिया में हर रोज जो टीवी में देख रहे होंगे, जो अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं, ये वाइन शॉप्स की, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो पा रहे, तो आपके यहाँ कैसे उस जो सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हैं ये बताएं। बहुत ही, मैं क्या बोलूंगा इसमें, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका गुप्ता जी। वाइन शॉप्स की जहां तक बात है, हम लोग सब समझते हैं, आपके जितने दर्शक हैं वो भी समझते हैं कि वाइन लिकर भले ही सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा इविल है, उसमें कोई दो मत नहीं है, और उसका उपयोग भी कई तरह की सामाजिक और क्रिमिनल इंटेंसिटीज को भी जन्म देता है। तो लेकिन एक्साइज का एक बहुत बड़ा सूत्र है सभी सरकारों के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में सभी सरकारों ने वाइन शॉप्स खोली हैं, और इसको लेकर के एक अच्छी चीज जो छत्तीसगढ़ में थी कि क्लैरिटी हम सब कलेक्टर्स को दी गई थी कि हम लोग आवश्यक तैयारियां जरूर कर लें। तो जो पहले बात, तो हमने सारी दुकानें नहीं खोली, जो जो दुकानें मेन थी, जहां पर बिक्री ज्यादा होती थी या फिर जहां पर बस्तियां लगी हुई थी, जो इम्पोर्टेंट थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके, हमने वही दुकानें खोली। वहां पर हमने 1 महीने पहले से ही, ये जो लॉकडाउन का शुरुआत वाला फेज था जब वाइन दुकान बंद थी, उस समय में हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बैरिकेडिंग लगवा दी थी, और बैरिकेडिंग के बाद हमारे पास केरला की कुछ फोटोज आई थी जिसमें जिगजैग करके बैरिकेडिंग थी, जिससे कि लोगों के बीच में एक डिस्टेंस रह पाए, उस तरह का भी हमने प्रयास किया था यहाँ पर। उसके अलावा जो गोले बनाए थे, गोले भी बनाए थे, और मेनली लोगों को जागरूक करना, थोड़ा पुलिस प्रेजेंस बढ़ाना, क्योंकि एक डंडे का जो भय है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने रखा था कि जो लोग दारू खरीदते हैं वो तुरंत उसको लेकर को लेके अपने घर चले जाएं, बाहर पीने की प्रवृत्ति या बाहर हुड़दंग करने की प्रवृत्ति ना रखें, और
वो हो जाए। तो उसके बाद हमारे धमतरी जिले में हमको कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं मिला। हमने हर वाइन शॉप पे एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई थी, एक सीनियर पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि हमको पता था कि पहले जिस दिन दुकान खुल रही है उस दिन पहले दो दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ भी उसी समय होगी और वही दो दिन डिफाइन करेगा कि आगे क्या रहेगा। अगर हमने पहले दो दिन लोगों को भीड़ में इकट्ठा होने दिया, जैसे हम प्री कोरोना देखते थे कि सबसे ज्यादा कहीं भीड़ दिखती थी तो हम समझ जाते थे कि ये वही है, तो कोई वाइन शॉप ही होगी, तभी एकदम लोग चार चार लेयर्स में भीड़ में खड़े होते थे। तो एकदम डिस्टेंसिंग करके पूरे लाइन में लोग लगे और डिस्टेंसिंग, और दूसरा जो कैश काउंटर था वहां पर हमने सैनिटाइजर रखा, वहां पर सभी का सैनिटाइज करा के और ग्लव्स और सभी जगह मास्क, पूरा पुलिस वाले जो घूम रहे थे उन्होंने मास्क इन्फोर्स किया। और साथ में छुट्टे पैसे जो इस बार हमारे सरकार की तरफ से आ गया कि बहुत ज्यादा छुट्टे पैसों की इस बार वो नहीं रखी, तो जो 50 रुपए का 50 रुपए ही था, 52 रुपए रेट नहीं था, तो उस प्रकार से भी वो चीजें जल्दी से ज्यादा भीड़ ना हो इस प्रकार से हमने किया है उसको। ऐसे सिचुएशन में जो सरकारी अमला है उसमें आईटी का उपयोग, इसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे आप लोगों ने आईटी का यूज किया? मैं समझता हूँ अभी सबसे ज्यादा ये कोरोना की एक बहुत बड़ी सीख ये है कि हम लोगों को मतलब कन्वर्जेंस, आइडिया की कन्वर्जेंस में, जैसे आज मैं और आप भी बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं, हालांकि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस हमेशा से उपयोग करते थे, बट अभी जो लोग इसके लिए अवेयर हो रहे हैं वो अवेयरनेस मैं समझता हूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड अवेयरनेस है जो कि कोरोना के कारण आई है। फिजिकल डिस्टेंसिंग नीड्स डिस्टेंस फ्रॉम फिजिकली, बट कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस की उसमें जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नारा भी दिया है कि हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक लोग उसका तात्पर्य ये भी निकालते हैं कि सामाजिक रूप से हम दूरियां बना रहे हैं, वो वैसा हमारा वो नहीं है उद्देश्य। तो सबसे पहले तो हमारी ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस में होने लगी। दूसरी एक चीज मैंने खुद पर्सनली डिस्कवर की, जो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज का जो फीचर होता है, जो अभी तक मैं बहुत कम उपयोग करता था, बट व्हाट्सएप के कारण से मैं बहुत उपयोग करने लगा हूँ अब, क्योंकि कम से कम मीटिंग्स लेने का हमारा उद्देश्य रहता है दिन में, फिजिकली हम लोगों को अपने अधिकारियों को भी रिस्क से बचाएं, वो चल रहा है। साथ में जैसे मैंने बताया डोनेशंस के लिए हम लोगों ने गूगल फॉर्म जैसे अलग अलग माध्यमों का उपयोग किया। जानकारी देने के लिए हम लोग जो कंट्रोल रूम वगैरह का उपयोग कर रहे हैं उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो श्रमिक भी बाहर के फंसे हुए हैं वो लोग भी, कई लोग बहुत जागरूक हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे गूगल फॉर्म भर देते हैं, वेबसाइट पर अपनी जानकारी डाल देते हैं, वो सब भी चीजें अभी चल रही हैं। साथ में हमने जियो टैग करने की भी काम किया है। हमारा जो कंटेनमेंट प्लान बना है डिस्ट्रिक्ट का, उसमें हमने जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ पर है, वो हमने जियो टैग कर दिया है कि कल को मान लीजिए कोरोना के 5,000 केसेस धमतरी जिले में आए तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें जो ट्रेडिशनल ओपीडी के लिए लोग आते थे उनको हमको कहाँ डाइवर्ट करना है। तो उसके लिए पूरी हमने मैपिंग के लिए, कंटेनमेंट प्लान के लिए भी जियो टैगिंग का इस्तेमाल किया है। और साथ में जो कंटेनमेंट प्लान जो हम बनाते हैं उसमें भी हमने जियो फेंसिंग की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है कि किस प्रकार से एक जगह पे मान लीजिए कोरोना मिलता है और हम लोग उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करते हैं तो उसमें कैसे हम लोग तुरंत उसका कंपार्टमेंट का डेटा निकाल सकते हैं और जियो फेंसिंग उसकी कर सकते हैं। तो आईटी का मैं मानता हूँ कि एक अच्छा इसमें दिलचस्प रोल रहा है और मैं मानता हूँ कि सामाजिक रूप से भी लोग एक आईटी को बेहतर उपयोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, एक जो एक बात आती है ई गवर्नेंस की, मतलब इसके बारे में सालों से बातें होती है पर ये जितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि इस कोरोना के कारण ई गवर्नेंस के यूसेज में और अधिक जो है बढ़ोतरी होगी? रजत जी डेफिनेटली आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही अपने आला अधिकारियों से बात कर रहा था कि अब समय है, हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे फाइल मूवमेंट को खत्म करके अब ई फाइल में चले जाएं। एनआईसी ने कुछ इसके बनाए भी हैं पहले सॉफ्टवेयर्स, लेकिन किसी कारण से आप भी समझते हैं कई कारण होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक रिलक्टेंस होती है, इनर्शिया होता है, उस वजह से नहीं जा पाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है आने वाले समय में, पोस्ट कोरोना टाइम्स जैसे अगर हम बोले तो इस समय पे एक अच्छा मौका है लोगों को एक पुश करने का। एक कई बार होता है ना एक गुड आइडिया का एक टाइम आता है, तो आई थिंक द टाइम हैज कम।
कई स्टेट्स कर रहे हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स भी कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट वगैरह अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं। और उसके अलावा अभी जैसे मैंने बताया कोरोना का भी हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई सारे मैनेजमेंट हमने मेथड्स बनाए हैं। जो क्वारंटाइन में है हमारे लोग, होम आइसोलेशन जो हमारे लोग कर रहे हैं, उसका भी हमने जियो टैग करके उसकी लोकेशंस को वहां पर टैग किया है, जिससे कि हमारे अधिकारी जो फील्ड में घूम रहे हो तुरंत देख पाए कि आसपास कौन सा है, घर पे होम आइसोलेशन है। तो इस प्रकार से अभी यूज होना शुरू हुआ है। जो कुछ लोग वृद्ध थे हमारे खुद के स्टाफ में, या जिन लोगों को ट्रेडिशनली एक इनर्शिया रहता था आईटी को यूज करने का कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, वो भी धीरे धीरे अब अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, परिवार की सेफ्टी के लिए और काम करने के लिए अब स्मार्टफोन यूज करने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ काफी कुछ आया भी है कोरोना समय में, और ये समय बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत अच्छा काम करती है, ई गवर्नेंस को लेकर आप लोग लगातार मैगजीन्स भी निकालते हैं, आपको आपके खुद के मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय रहेगा कि इसको पुश करके हम लोग पूरे गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आए। बहुत कोशिशें हुई हैं, इंक्रीमेंटल एफर्ट्स बहुत हुए हैं, बट ये ओवरऑल ही जो हम बोलते हैं ओवरऑल हम कर पाए पूरे सिस्टम को, ये एक इम्पैक्ट रहेगा इसमें, बहुत जरूरी है। अजय जी, आपके सामने स्क्रीन पर बहुत से सवाल हैं, कुछ सवाल आप अपने जो हमारा जो डायलॉग हुआ है उसमें आप एड्रेस कर चुके हैं, पर कुछ और है जो आप एड्रेस नहीं हुए, तो आप एक अगर एक बार उन सवालों को उठाएं और उनके बारे में अपने विचार दें। अजय जी, मैं एक सेकंड बस पढ़ता हूं कुछ। आपको भी दिख रहे होंगे तो आप ही बताइए गुप्ता जी। हाँ, तो मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक सवाल है जो when do you think this crisis shall end in our country? What cooperation are you expecting from the citizens to keep corona away? What will be the priority steps if any positive cases are found in the future? ये एक सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल सिर्फ आपके जहन में नहीं, हमारे जहन में भी घूम रहा है कि कब कब ये खत्म होगा। और जो अब एक आम नागरिक के हिसाब से मैं बता सकता हूँ, कलेक्टर होने की हैसियत से मुझे कोई इसमें विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो हम भी पढ़ते हैं सुनते हैं अलग अलग माध्यमों से जानकारी मिलती है, उसके तहत पूरे जब वैक्सीन मास यूज में आएगी, पहले तो वैक्सीन बने तो उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन हो और उसके बाद वो सबको, हम सबको लग जाए, सभी वर्ग के लोगों को लग जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये क्राइसिस चलता हुआ दिख रहा है। वर्तमान में इसका कोई अंत अभी नहीं दिख रहा है। एक एस्टिमेट जो हम पढ़ रहे हैं वो 1 से 1.5 साल का अभी लग रहा है, लेकिन ये भी बात आ रही है कई जगहों से सामने कि वायरस जैसे म्यूटेट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी भी कम होती दिख रही है। हालांकि ये सारी प्रूव नहीं है और इस तरह की रिसर्च लगातार चेंज होती है, तो मैं एक कंक्लूसिव रूप में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसा लग रहा है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आई एम प्रिपेयर्ड टू फाइट दिस बैटल फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स। इस तरह की तैयारी हमको रखनी है। दूसरा, इसी में आपका सवाल था कि लोगों से हम क्या उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहली उम्मीद तो मेरी लोगों से ये है कि भले ही हम दुकानें खोल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज खोल रहे हैं, लेकिन अवॉइडेबल जितनी चीजें हैं उसको अवॉइड करें, बाहर जाने से अवॉइड करें, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करें। पब्लिक गैदरिंग हालांकि बंद रहेंगी लेकिन दुकानें खुलेंगी, तो व्यवहारिक रूप से हम लोग हालांकि चार्ज भी कर रहे हैं, प्रशासन भी हर तरह की कदम उठा रहा है, बट जितने लोग कम से कम बाहर निकले, कम से कम आप एक्सपोज हों वायरस को, अगर आप अवॉइड कर सकें उसको अवॉइड करें। होम डिलीवरी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जो आपके यहाँ होम डिलीवर होता भी है सामान उसको भी प्रॉपरली सैनिटाइज करके, प्रोटोकॉल फॉलो करके उसका यूज करें। और तीसरा चीज ये है कि इस लॉकडाउन के समय को अपने लिए, एक ये मेरा व्यक्तिगत अपील रहेगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप कोई नई स्किल यूज कर सकते, सीख सकते हैं तो वो जरूर सीखिए। दूसरा, एक अपनत्व के भाव को मत खोइए कहीं भी। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी दानदाता सामने आ रहे हैं, लोग सामने आके मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, तो वो आप अपने इस समय को उपयोग करिए। जो भी आपके पास समय है आप डेफिनेटली वेंचर आउट करिए, वॉलंटियर करिए, जहां शासन प्रशासन को लगता है आपकी मदद ले सकें। भले ही वो हो सकता है, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम जो बच्चों के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, तो हो सकता है आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत अच्छे हों, या आप खुद टीचर हों, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हों, आपको मन हो रहा हो कुछ करने का, तो आप वैसे सजेशंस आइडियाज दे सकते हैं हमको कि क्या हम गरीब बच्चों तक पहुंचा सकें, उनके परिवारों तक पहुंचा सकें, ऐसी गतिविधियां उसमें आप मदद कर सकें, घर बैठे आप मदद कर सकते हैं, ऐसी चीजों से जुड़े। ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पूरी दुनिया एक साथ जूझ रही है, और ये प्रॉब्लम का समाधान भी तभी है जब पूरी दुनिया एक साथ आएगी। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से शुरू करें, एक दूसरे के साथ मिलके सोसाइटी के साथ के लिए जितना कर सकते हैं वो करें।
जी हाँ, मुझे सभी से उम्मीद है कि सब लोग कर रहे हैं। एक सवाल है जो हाउ अवेयर आर द फार्मर्स अबाउट नीड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाउ हैज इट इंपैक्टेड प्रोक्योरमेंट। अगर ये जिनका सवाल है, अगर मैं उनसे खुद पूछूंगा, अगर वो शहर में रहने वाले व्यक्ति होंगे और अगर मैं उनसे पूछूंगा तो मुझे उम्मीद है कि वो बोलेंगे कि ज्यादा अवेयर नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको एक, हो सकता है आपको सरप्राइजिंग लगे ये फैक्ट, छत्तीसगढ़ में हमारे लगभग 600 गांव आते हैं, मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में 600 गांव आते हैं। 600 गांव में से 500 से ज्यादा गांव ने अपने खुद की सरहदों को बंद कर दिया था, चाहे वो लकड़ी मतलब पेड़ काट के या छोटा सा टहनिया वगैरह काट के उसका एक बुश टाइप का बना के वहां पर बंद कर दिया था, अपनी रोडें बंद कर दी, बाहर लिख दिया कि बाहर से कोई नहीं आएगा। ये बीमारी हम लोग अंदर रह के अपने जूझेंगे, हमको बाहर से बीमारी नहीं चाहिए। उनको ये कॉन्सेप्ट शहर वालों से बहुत पहले समझ में आ गया था कि भाई ये बीमारी बाहर से आ रही है, ये बैठे बैठे नहीं हो रही है, और ये बाहर वालों को हमने रोक दिया तो बीमारी नहीं आएगी, हम अंदर खुश रहेंगे। और उनको ये भी पता था कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम अपनी जरूरत की चीजें सब बना सकते हैं। आज की डेट में हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं साबुन से लेकर के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तक सब बना रही हैं, तो उनको कोई बाहर का कोई मल्टीनेशनल की जरूरत नहीं है, कोई कोका कोला की जरूरत नहीं है, वो अपने गांव के नींबू निचोड़ के उसी से लेमोनेड पी के खुश हैं। तो जरूरत की सारी चीजें लोग गांव में कर सकते हैं, ये चीज लोगों को जागरूकता है। अब अगर आप बात करें कि किसानी में कितना सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग है, तो निश्चित रूप से लोग एक बबल बना के चलते हैं कि भाई मेरे परिवार को तो मैं एक ही रखूंगा, तो परिवार वाले जब साथ में काम करते हैं तो उतना 3 मीटर का डिस्टेंस 2 मीटर का डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन अगर हम गाँव को यूनिट लें तो मैं बोलूंगा 100% लोग, कम से कम जो छत्तीसगढ़ का हमारा अनुभव रहा है, मेरा खुद का अनुभव रहा है, लोग अवेयर है। और एक चीज मैंने जो देखी है, जबकि अर्बन में लोग उतने अवेयर नहीं है कि अर्बन में लोगों को, पुलिस वालों को हर तरह की चालान काटने पड़ते हैं, कई लोगों को उठक बैठक करवानी पड़ती है, जैसे आपने भी कई वीडियोस देखी होंगी, कई लोगों को जमीन पर पुशअप कराने पड़ते हैं यंग लड़के लड़कियों को बताने के लिए कि भैया आप घर से बिना अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलो। वहां पर अर्बन में हम देखते आ रहे हैं इस तरह के केसेस मिलते हैं कि दवाई दुकान खुली है, आदमी को कुछ नहीं लेना है, जब पुलिस वाले ने पकड़ा तो बोलता है मुझे आइटोन लेनी है, तुरंत एक आइटोन लेके घर चले जाते हैं, लेकिन वैसे पूरे शहर का चक्कर काटते हैं भाई। ऐसे हमने बहुत केस देख रहे हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं। गांव में एक जो उनका, हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो हम देख रहे हैं कि पटेल सिस्टम एक होता है, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग सियान बोलते हैं यहाँ पर, उसका जो रिट है वो चलता है, सरपंच जो भी हो लेकिन सियान ने जो विजडम की बात की वो चलती है। तो यहाँ पर सियान लोगों ने अधिकतर देखा है हैजा कैसे फैलता है और एपिडेमिक कैसे फैलते हैं, वो एक अनुभव है गांव वालों को, और वो अनुभव को हम देख रहे हैं कि फील्ड में ट्रांसलेट हो रहा है। और गांव में आज की डेट में, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि राइस मिल हम जब चालू कर रहे थे तो गांव वालों ने लेबर को बाहर जाने से मना कर दिया कि भाई आप बाहर नहीं जाए, कोरोना में सरकार बोल रही है तो आप बाहर नहीं जाएंगे। हमको गांव वालों को बताना पड़ा कि भैया आप थोड़ा सा इन लोगों को, 10 लोगों को छोड़ देना, इतने हम लोग एहतियात बरत रहे हैं, वो लोग पूरा डिस्टेंस रखेंगे, गांव में आपकी बीमारी नहीं आएगी, हम भी देख रहे हैं इस चीज को, तब जाके वो छूट मिला। तो लोगों में जागरूकता है, और मैं बोलूंगा गांव में ज्यादा जागरूकता है सिटीज से। सिटीज में अगर अभी मौका मिल जाए तो लोग बाहर आ जाएंगे और अनावश्यक रूप से घूमेंगे, लेकिन गांव में उस तरह का चीज हमको नहीं दिख रहा है। ये एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ इज फास्ट प्रोग्रेसिंग नाउ विद पोस्ट कोविड, डू यू थिंक पीपल विल माइग्रेट टू मेगा सिटीज, डू यू एंटिसिपेट द प्रोग्रेस ऑफ छत्तीसगढ़ विल इनवाइट माइग्रेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स। मतलब बहुत ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और निश्चित रूप से इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कोरोना का, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट इसके बारे में लगातार लिख रहे हैं, अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग व्यूज भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से पोस्ट कोरोना क्या इम्पैक्ट आएगा। एक चीज जो हमको अभी देखने को मिल रही है कि हम लोग जो MGNREGA जो प्रोग्राम चला रहे हैं, महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम जो चलता है, उसमें मैं खुद धमतरी का बताऊं तो धमतरी में औसतन 40,000 से 50,000 लेबर लगता था इस सीजन में, अगर हम इसी सीजन को मई महीने को पिछले साल देखें, उससे पहले देखें, तो 40,000 से 50,000 लेबर लगता था। और लगभग 15 साल हो गए धमतरी जिले को अस्तित्व में आए और कभी भी लेबर 80,000 से ज्यादा बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं किया, 80-85,000 जो पीक सीजन होते हैं वहां पहुंचता है। इस समय वर्तमान में आज मैं अभी बैठा हूं, 1 लाख से ऊपर लेबर धमतरी जिले में चल रहा है। तो ये स्थिति बताती है कि लोगों को गांव में काम पर्याप्त है और कहीं ना कहीं लोग गांव में वापस आकर के काम करने को इच्छुक हैं, मजबूरी भी बोल सकते हैं आप और इच्छुक भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जो कि गांव में बैठे बैठे उनको काम मिल रहा है। हमारा प्रयास अब यहाँ पर जिला प्रशासन का, IAS अधिकारियों का, हम लोगों का रोल आता है
या मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ भी जो दर्शक होंगे, कई लोग यूपीएससी का एग्जाम भी लिख रहे होंगे, उस प्रकार के भी कई स्टूडेंट्स भी होंगे, तो जो लोग आना चाहें इस सर्विस में, यहाँ पर हम लोगों का रोल आता है कि हम कैसे इसको बेटर प्लान करें। जो नरेगा के जो हमारे काम है, आज की डेट में हमने इस तरह का प्लान किया है कि कहीं पर हम लोग गोठानों में लेमन ग्रास लगवा रहे हैं, कहीं पर हम गोठानों में इस प्रकार की एग्रीकल्चर गतिविधियां करा रहे हैं जो कि आगे के लिए वो सस्टेन करेंगी। तो जैसे हम लोगों ने जो एफआरए में जो हमने पट्टे दिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ ट्राइबल लैंड्स बहुत हैं, तो एफआरए में हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टे दिए हैं उसमें जो आदिवासी भाई बहनों को पट्टे दिए हैं उनको हम चंक में बना रहे हैं। तो एक पट्टा भले ही एक हेक्टेयर दो हेक्टेयर का हो, हमने 10 लोगों के पट्टों को इकट्ठा किया, 20 हेक्टेयर की हमने जमीन ली, 20 हेक्टेयर आप समझते 50 एकड़, अच्छा खासा एरिया हो जाता है। और वहां पर हमने नरेगा से उनको काम स्वीकृत करके बोला कि आप फल सब्जी लगाओ, और एक ही फल सब्जी लगाओ या एक या दो लगाओ जिसको कि हम मार्केट कर पाए। तो अभी आप देखेंगे पोस्ट कोरोना समय में ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स पे लोग जागरूक हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर जागरूक हो रहे हैं, शहर में रहने वाले लोग चाह रहे हैं कि हमको ऑर्गेनिक टमाटर मिले, हाइब्रिड टमाटर ना मिले बाहर से आया हुआ। तो अभी हमारे गांव को अगर हम अभी तैयार कर पाए प्रशासक होने के नाते, तो मैं मानता हूं कि पोस्ट कोरोना समय में गांव में जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो और सुधरेगी, और आगे के लिए जो गांव और शहर के बीच में जो एक सौतालेपन था कि कहीं ना कहीं शहर बड़ा मानते थे गांव छोटा मानते थे, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं अगर प्रशासक के रूप में हम लोग बेहतर प्लानिंग करें और उसको बेहतर इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो एक बहुत अच्छा सवाल था, इसमें काफी चीजें मुझे भी कहने को मिला जो मैं भी खुद भूल जा रहा था, लेकिन ये एक ऐसी चीजें हैं जिसको कि मेरे को खुद को गर्व होता है कि हम लोग अपनी टीम के साथ इस प्रकार का प्लानिंग कर पाए हैं धमतरी जिले में, कि जो काम हम लोग आज की डेट में जो हमारे 1 लाख लेबर काम कर रहे हैं, वो जो टिपिकल हम लोग कई बार जो हमारे क्रिटिक होते हैं वो बोलते हैं कि नरेगा में गड्ढा खोदो उसी को भरते हैं फिर उसी को खोद देते हैं, वैसा काम ना करके हम लोगों को ऐसा रोजगार दे रहे हैं कि हमेशा के लिए उनका जीवन यापन बेहतर हो। तो जैसे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी मैं अभी बात किया, कहीं ना कहीं अगर उसमें लोगों को वैल्यू दिखने लगे, हमारे यहाँ क्योंकि आपने आईटी की बात की, हालांकि मैं लंबा बोल रहा हूँ लेकिन आईटी की बात की, तो एक हमारे यहाँ किसान बाजार हमने इनिशिएटिव पहले चालू किया था जो कि अभी कोरोना के समय में और बेहतर यूज हो रहा है। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो किसान धमतरी शहर के आसपास के हैं, लगभग 40 गांव के किसान जो हैं, वो लोग जो सब्जी और भाजी उगाते हैं उसको वो सीधे किसान बाजार में रजिस्टर कर सकते हैं कि हमारे पास आज की डेट में इतना गाजर हुआ, इतना मूली हुआ, उसको फिर लोग घर बैठे उसको खरीद सकते हैं, और जो रेट होगा वो रेट ना रिटेलर का होता है ना होलसेलर से थोड़ा ज्यादा और रिटेलर से थोड़ा कम। फायदा क्या होता है कि किसान को सीधे बेटर दाम मिल रहा है, जितना उसको होलसेलर देगा उससे बेटर मिल रहा है, एज अ कस्टमर मुझे बेहतर दाम में मिल रही है क्योंकि मुझे रिटेलर जितने में बेचेगा उससे मुझे कम में मिल रही है सब्जी, दूसरा मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे सीधे किसान से सब्जी मिल रही है। तो जो बीच में लोग पेस्टिसाइड लगा देते हैं, अलग अलग केमिकल लगा के जो चमकाते हैं फलों को, वो सब चीजें नहीं होती। तो ये सिस्टम हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक आईटी के माध्यम से शुरू किया और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है, लगभग 400 से 500 क्विंटल हमारी सब्जियां इस प्रकार से रोज आदान प्रदान होता है, वाटर सिस्टम टाइप का एक जो बोलते हैं वो चालू हो गया है। तो बहुत अच्छा हमको इम्पैक्ट दिख रहा है और आने वाले समय में हम पे है कि हम लोग कितना उसको बेहतर उपयोग करके रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकें। निश्चित रूप से वर्ल्ड इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी में इसमें फर्क पड़ेगा, नेगेटिव फर्क पड़ेगा, उसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे ढाल पाए ये आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जो कर सकते हैं, हमको गाइड करना है और हमको इसको आगे बढ़ाना है। रिलेटेड सवाल है जो कि जो रूरल बैंकिंग सिस्टम कैसे इफेक्ट हुआ इससे। रूरल बैंकिंग सिस्टम बहुत ही पॉजिटिवली इंपैक्ट हुआ है इससे, क्योंकि हमन एक दिन था, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले की बात थी, अचानक धमतरी शहर में मैं जब दौरा कर रहा था, लगभग 10-11 बजे की बात है, तो हर बैंक के बाहर मेला जैसा लगा हुआ था। तो पता किया गया, बैंक वालों से बात की कि भाई इतना अचानक से भीड़ कैसे आ गई इस प्रकार से। तो मंडे का दिन था वो शायद, तो बैंक मैनेजर्स ने बोला कि कहीं ना कहीं गांव में अफवाह फैल गई है कि जनधन खाते का पैसा आया है, 1500 रुपए जो जनधन खाते में आता है, और लोगों को ये लगने लगा है कि अगर हम 1 हफ्ते में नहीं निकालेंगे तो पैसा चला जाएगा। तो इस वजह से गाँव से लोग बल्क में ट्रैक्टर करके आ रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं। उस दिन हमको समझ में आया कि कितना ज्यादा जरूरत है हमको जो बैंक सखी का हमारा जो सिस्टम है, जिसमें हमने हर गांव के 2 गांव के ऊपर एक बैंक सखी जो स्व सहायता समूह की महिला हो उसको डिप्यूट किया है, उनको हमने बकायदा एटीएम, एक माइक्रो एटीएम टाइप की एक मशीन दी गई है, वो भी हमने बैंक से टाइप किया है। यहाँ पर अलग हमारे बैंक पार्टनर हैं, आपके साथ हमारी रायपुर में जब हमने वर्कशॉप की थी तो एक अलग आपको याद होगा एक्सिस बैंक के साथ हमारा टाइप था उस समय रायपुर शहर में, अभी यहाँ पर हमारे अलग बैंक के पार्टनर हैं, उनके माध्यम से हमने उनको माइक्रो एटीएम दिया है और वो महिलाएं गांव-गांव में जाकर के राशि विड्रॉ करवा रही है।
तो जो भीड़ जो पूरी शहर में आ रही थी उस भीड़ को हमने पूरा डाइवर्ट करके बोला कि आप बैंक सखी के पास जाओ। और इस महाने से जो बैंक सखी हमेशा बोलती थी कि साहब हमारे लोग तो हमारी सुनते नहीं है, सब लोग गांव के शहर में आके पैसा निकालते हैं, उनको घर बैठे बिजनेस मिला, उनको भी एक फिक्स परसेंटेज कमीशन मिलता है जो कि समूह के खाते में जाता है, वो भी इंकरेज हुई, लोगों को भी समझ में आया कि हाँ फालतू में हमको शहर में नहीं जाना है। तो रूरल बैंकिंग सिस्टम में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसमें। और मैं अगेन बोलूंगा कि मैं अपने जिले की बता रहा हूँ, हर जिले के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, हर राज्य के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, अपने अनुभव में अगर मैं देखूं तो धमतरी जिले में हमको दिख रहा है कि बैंक सखी मॉडल जो कि पहले हम पुश करते थे, ऐसा लगता था कि कलेक्टर की योजना है या सीईओ जिला पंचायत की योजना है या सरकार की योजना है, अब लोगों को लगने लगा है हाँ भाई हमारी सुविधा है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्या बात है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है जो आपने बताया ये। अच्छा एक ये सवाल है कि what measures your city is following about the government and private offices for sanitization? आप लोग कैसे sanitize कर रहे हैं ऑफिसों को? सैनिटाइजेशन को लेकर के कई सारे कन्फ्यूजन अभी हैं लोगों में, तो उनको मैं इसी माध्यम से दूर करना चाहूंगा। पहले तो ये जो वायरस है ये सरफेस के माध्यम से फैलता है, लेकिन अगर हम देखें तो कई नगर निगमों ने पूरे अक्रॉस द कंट्री, हमारे पास भी फीडबैक आया था, ये पहले मैं भी नगर निगम में रहा हूँ तो इस चीज को हम लोगों ने भी यहाँ फोकस करके कराया था कि हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से हमने छिड़काव कराया था सभी सर्फेसेस का। तो वो जरूरी है, मैं नहीं बोलूंगा कि उसकी जरूरत नहीं है, उससे नुकसान है, लेकिन वो फुल प्रूफ मैं नहीं मानता कि वो है। क्योंकि पहली बात तो जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन की जो हम लोग परसेंटेज जनरली रखते हैं उसको चेक करने का आमतौर पर हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है। तो और दूसरा बहुत ही, अब वायरस कितने ज्यादा इंटेंसिटी के हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से मरेगा ये जिनका जानकारी भी हम लोगों के पास अभी वर्तमान में नहीं है। तो आप जो प्राइवेट ऑफिस में जो काम करते हैं, मेरे ख्याल से जिन्होंने सवाल पूछा है उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुकात होगा प्राइवेट ऑफिसेस से, तो मैं बोलूंगा कि निश्चित रूप से सैनिटाइज करें अपने सर्फेसेस को, विशेष रूप से जैसे जिस टेबल पर मैं बैठा हूँ ये टेबल लगभग हर दिन सैनिटाइज होती है हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, उसमें पोछा टाइप का लगता है, ये जरूरी है। लेकिन साथ में जो हमारे जो बेसिक एहतियात हैं उसको हम लोग ना करना ना भूलें, ये सोच के कि सारा सरफेस सैनिटाइज हो रहा है तो हम लोग ऑफिस में बिना मास्क के घूम सकते हैं या फिर बिना ग्लव्स के घूम सकते हैं, ये अपन ना करें जब तक आप बिल्कुल ही श्योर ना हो कि उस ऑफिस में सिर्फ आप ही बैठते हैं। जैसे ये कमरा जिसमें मैं बैठा हूँ इस कमरे का बहुत ही लिमिटेड उपयोग हो रहा है, जब से कोरोना का घोषित हुआ है मेरे अलावा हार्डली दो या तीन लोग ही यहाँ पर आते हैं और वो भी पूरे सैनिटाइज पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करके आते हैं। लेकिन प्राइवेट ऑफिस में आपको ये इंश्योर करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा मैं समझता हूँ, तो उसको इंश्योर कराएं, नहीं इंश्योर हो पा रहा है तो अपनी ओर से पूरा एहतियात बरतें। और हम अभी जो सरकार ने जो मापदंड निकाले हैं उसमें 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिसेस खोलने हैं, उसको भी मैं समझता हूँ जितने मैनेजरियल कैपेसिटी में लोग इस टॉक को सुन रहे हैं उनको उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे अपने स्टाफ को रेशन आउट करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम कर पाए। उसमें भी जो लोग जो उम्र दराज हैं 60 के ऊपर के हैं या जिनको प्री कंडीशन कुछ है, डायबिटीज है या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर महिलाएं जिनका महिला या पुरुष जिनके छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको विशेष एक छूट देने का भी सरकार ने उसका डायरेक्शन निकाला है, उसको भी प्राइवेट ऑफिसेज में पूरा करने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और जो ये रिस्क ग्रुप्स हैं इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोरोना को लेकर के ज्यादा रिस्की है और इनको अगर मतलब किसी भी प्रकार से हम नहीं चाहते कि किसी की भी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज हो। एक सवाल है कि हाउ इज डेली एसेंशियल्स बीइंग सैनिटाइज्ड एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड पीपल टेक इन हैंडलिंग दिस डेली परचेज एसेंशियल्स? जो डेली एसेंशियल्स आप खरीदते हैं मार्केट से विशेष रूप से उसको लेकर के पहले अगर आप सैनिटाइजर आपके घर में उपलब्ध है तो सैनिटाइज करके आप यूज करें तो बेहतर है। हम लोग पर्सनली जो कर रहे हैं सैनिटाइजर का उपयोग भी कर रहे हैं, दूसरा कि कुछ देर तक अगर विशेष रूप से अगर कोई हम लोग एसेंशियल सप्लाई अमेजोन से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंगाते हैं तो उसको कुछ घंटों तक हम लोग बाहर धूप में छोड़ देते हैं। उससे हालांकि ये प्रूवन अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ इसको लेकर के धूप मारता है कि नहीं, लेकिन ये चीज है कि कम से कम जो सर्फेस पे अगर कोई वायरस रहेगा भी तो उसकी भी एक शॉर्ट लाइफ स्पैन रहती है, तो कम से कम अगर 4-5 घंटे या हम लोगों को अगर कोई एकदम असेंशियल नहीं होता तो एक से दो दिन भी अगर हम लोग बाहर छोड़ दें तो उससे भी निश्चित रूप से मदद होगी। और बेहतर है कि सैनिटाइज करके हम उपयोग करें। और उसमें भी अभी भी जैसे मेरा ये कहना है कि एक ऐसा समय है लॉकडाउन में हम लोग सब घर में हैं, होम डिलीवरीज हालांकि चालू हुई हैं फिर भी हम लोग कोशिश करें कि घर का ही खाना खाएं, इम्यूनिटी के लिए तो निश्चित रूप से बेहतर है ही, और लेकिन ये वायरस के एंगल से भी वो बेहतर है।
और एक सवाल ये है कि ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड 19 हाउ विल यू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लोकल बिजनेसेस। ये जो आपने अभी बताया था कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स के, पान वालों के, एक्चुअली वहां पर इकोनॉमी जुड़ी हुई है, तो कैसे आप देख रहे हैं कि वहां पर इकोनॉमी रिवाइव हो? निश्चित रूप से आप एकदम सही बोल रहे हैं। हम कई लोगों की अभी रोजी रोटी का सवाल आ गया है, चाहे हम पान ठेलों की बात करें, चाहे हम होटल्स की बात करें, कई लोगों के, और दूसरा जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो तो अभी उनके तो दिख भी नहीं रहा है कि कब से वो चीजें शुरू होंगी। आप और मैं जानते हैं कि विदेश ट्रैवल तो पता नहीं अब कब शुरू होगा, और होगा भी तो लोग कितना उत्सुक होंगे अभी जाने में। वैसे डोमेस्टिक का भी है, तो ये कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हैं, इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं जो कि अभी बहुत बुरी तरह से मार झेल रही हैं इसको लेकर के। उनसे जुड़े हुए लोगों को निश्चित रूप से इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट कोरोना जो पीरियड है उसमें इन लोगों को कैसे हम सपोर्ट कर सकें गवर्नमेंट की ओर से, ये हमको विशेष ध्यान देना ही है। हम लोग इस चीज को लेकर के अवेयर हैं अभी से उसको लेकर के। हालांकि मैं नहीं बोलूंगा कि अभी से पोस्ट कोरोना समय आ गया, क्योंकि अभी तो लंबा लड़ाई चलेगी, और लेकिन इस पर विशेष ध्यान हम लोग सब मिलके देंगे। और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, करेंगे भी, कि क्या क्या उनको हम और छूट दे सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार और अन्य अलग अलग राज्यों की सरकारें भी इस पे काम करेंगी आगे आके, तो क्योंकि सबको इस बात की चिंता है। और लोग जो जुड़े हुए हैं, जैसे अगर कोई होटल बंद होता है तो उस होटल में ना सिर्फ उसके मालिक की इनकम प्रभावित होती है, बट उससे जुड़े हुए वेटर से लेकर के जो उसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है, सबकी कहीं ना कहीं इनकम प्रभावित होती है। वो लोग जो टैक्सी लगाते हैं तो टैक्सी वाले ड्राइवर्स की इनकम प्रभावित होती है, वो टैक्सी ड्राइवर्स की वजह से जो ऑटो मैकेनिक हैं उनकी इनकम प्रभावित होती है। तो ऐसे पूरा साइकिल है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सब जानते हैं कि इकोनॉमी के जो पहिए हैं वो धीरे चल रहे हैं, अभी एकदम उस तरह से चल रहे हैं कि कोई भूखा ना मरे वाले एंगल पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के प्रॉस्पर कैसे करना है उसको लेकर के हम लोग जागरूक हैं। हम लोग इसको निश्चित रूप से मिलके समाधान निकाल लेंगे। एक उसी से रिलेटेड सवाल है कि द डिसीजन टू नॉट ओपन पान शॉप्स इज कमेंडेबल, पोस्ट कोविड सिनेरियो इट मे बी टेकन अप टू लुक इन द मैटर ऑफ स्पिटिंग ऑफ पान विच मे कॉज स्प्रेड और रीअपीयरेंस ऑफ द डिजीज, हाउ कैन दिस बी कंट्रोल्ड एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल मैं भी अपने जितने भी लोग आते हैं उनसे पूछता जरूर हूँ, क्योंकि कई बार ये आप और हमने इस पर लंबी चर्चा भी की है। जब हम लोग रायपुर में ओपन डेफिकेशन देखते थे कि पूरे शहर में रेलवे पटरी पे ओपन डेफिकेट कर रहे हैं लोग, तो हम लोगों ने एक 5 AM आर्मी बनाई थी जो कि सुबह 5 बजे टॉर्च लेकर के निकलती थी, हमारे सरकारी अधिकारियों की आर्मी थी। आर्मी तो नाम दिया था उनको गौरवान्वित महसूस कराने के लिए कि भैया सुबह 4 बजे उठना है तुमको, तो वो लोग निकल के टॉर्च लेके पार्षदों के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ घूमते थे, और लोगों को ट्रेन पटरी पे जो लोग बैठे थे उनको बोलते थे, जागरूक करते थे, फाइन करते थे। लेकिन सोल्यूशन अल्टीमेटली यही था उसका कि ये आर्मी 1 महीने काम कर सकती है, 2 महीने काम कर सकती है, बहुत ज्यादा रहा तो 1 साल काम कर सकती है, लेकिन ये आर्मी सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई कॉलोनी है जो कि रेलवे के पटरी के किनारे बसी है, वहां पर सरकार ने टॉयलेट्स बना दिए, उनको हर घर में टॉयलेट दे दिया है, जहां हर घर में नहीं दे सकते वहां सामुदायिक रूप से टॉयलेट दे दिया, तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को उसका सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है कि भाई हम लोग शौच में जाएंगे तो बाहर ट्रेन में नहीं जाएंगे, ट्रेन पटरी में नहीं जाएंगे, हम भले ही लाइन में हमको लगना पड़े हम सामुदायिक रूप से यहाँ पर जाएंगे, या फिर हमको भले ही शेयर करना पड़े, 3 घर के ऊपर अगर 1 टॉयलेट है तो हम लोग उसको शेयर करके करेंगे। तो ये जागरूकता कहीं ना कहीं समुदाय को देनी जरूरी है, और ये बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है जो सवाल आपने पहले पूछा था कि नागरिकों की तरफ से क्या भूमिका रहेगी, क्या अपील रहेगी, क्योंकि हर जगह जाके हम लोग का फाइन का प्रावधान है, हम लोग फाइन लगाते भी हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी हम लोग किराना दुकानों पे फाइन कर रहे हैं। शुरू में हमने 10,000-10,000 रुपए तक का फाइन किया है कुछ जगहों पे, तो जागरूकता के लिए थोड़ा डर भय कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग तब तक संभव नहीं होगा जब तक वो लोग जो सामान खरीदने जा रहे हैं वो दुकानदार को नहीं बोलेंगे भैया आप लोग थोड़ा सा दूर करो तब हम आपके यहाँ सामान खरीदेंगे। जब तक उसका खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट रोजमर्रा का उससे लागू नहीं होता, एक बार हम जागरूकता ले आएंगे अपने लोगों में तब हम लोग उसको कर सकते हैं। जब आसपास के लोग पान ठेले वाले को बोलेंगे कि यार तुम्हारे यहाँ तो बगल में पान थूका हुआ है तो इसका मतलब तुम लोग पोस्ट कोरोना टाइम का मैं बता रहा हूँ एक तरीका, तो इसका मतलब तो आप लोग नहीं करते हैं, आप गलत करते हैं, बस इतना ही हम लोग 2-3 बार बोलेंगे, हर आदमी को लगता है कि मैं गलत ना हूं, तो बस उसको वहीं पर ठेस पहुंचती रहे, तो 2-3 बार के बाद वो खुद अपने
जब पान किसी को बेचेगा तो बोलेगा भैया आप मत थूकना, यहाँ पर मत थूकना, कहीं रोड पे मत थूकना, इसका जिम्मेदारी ले लेना। तो मैं मानता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका एक सामाजिक सोल्यूशन ही निकल सकता है। पुलिस प्रशासन एक इंसेंटिव के रूप में, एक कैटलिस्ट के रूप में जरूर काम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को इसमें आगे जागरूकता लानी है, लानी पड़ेगी। 5M आर्मी का ही मैं अगर उदाहरण दूं तो उस आर्मी ने अच्छा काम किया 2-3 महीने के अंदर अंदर, और उसने एक जो सबसे अच्छा काम किया जिसको मैं एक उपलब्धि मानता हूं, वो ये किया कि उन्होंने सरकारी अमले को बाहर खींच के उसी कम्युनिटी में से ही वो आर्मी बना दी। तो उसी कम्युनिटी में से ही बच्चे, बुजुर्ग, जो लोग पहले ट्रेन की पटरी के पास शौच करते हुए पाए जाते थे, उन्हीं में से आर्मी बना दी, और वही लोग देख रहे हैं। और आज की डेट में रायपुर में जो रिपोर्ट आ रही है, पूरी तरह से ODF ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। तो इसी तरह के हमको सामाजिक रूप से हमको जागरूक होना पड़ेगा और लोगों से ये अपील करनी पड़ेगी। और इस समय मैं बोलूंगा कि कोरोना के कारण थोड़ा सा लोग जागरूक हो इसलिए भी हैं कि डरे हुए हैं कि भाई ये वायरस है, वास्तव में फर्क पड़ सकता है। तो ये जागरूकता है, अगर अभी भी हम नहीं सो के उठे अपनी नींद से तो मैं नहीं समझता हूँ कि कभी कोई और इंसेंटिव का हम इंतजार करें जो कि और भयानक हो सकता है। एक ये और सवाल है कि स्वच्छ भारत एक जो कैंपेन था जो हाइजीन की बात पे फोकस था, स्वच्छता पे फोकस था, और कोरोना के बाद उस पर और अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई है, तो आपको लगता है कि अब जो पोस्ट कोरोना सरकार और जनता दोनों जो है स्वच्छता को एक अगले लेवल पर लेकर जाएंगे? मैं जैसा बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कई बड़ी बातें बोली गई और ये बोला गया कि व्हाट ग्रेट लीडर्स डू व्हाट ड्रग एडिक्ट्स डू, मतलब क्या समानता है ड्रग एडिक्ट्स में और ग्रेट लीडर्स में। तो उन्होंने बहुत तीन बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें कही थी जिसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स मुझे लगे थे। तो उसने लास्ट में ये बोला था, ये जो तीन पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट में मैं उदाहरण बता देता हूँ। उसमें पहला पॉइंट था कि बहुत ऑथेंटिक रहना चाहिए, जो आपके मन में है वो आपको बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि आपको अनकंफर्टेबल वर्क, कोई मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और तीसरा था कि आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट पे बॉदर नहीं करना चाहिए। तो उसमें जिसने भी टेक टॉक दी थी, लास्ट में उसने पॉइंट बताया कि भाई ये जो मैं तीनों पॉइंट बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स ही कर सकते हैं, ये हर कोई आम आदमी भी कर सकता है और सफलता उसको भी उतनी मिलेगी। इट्स जस्ट दैट कि ड्रग एडिक्ट्स को करने के लिए एक जीवन और मरने का एक सवाल हो जाता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं कल को मैं फिर ड्रग्स लेने वापस जाऊंगा, मैं मृत्यु भी हो सकती है। एक इंसेंटिव की बात होती है। तो कोरोना, जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा सवाल जिसने भी लिखा है, बहुत अच्छा कमेंट लिखा है कि पोस्ट कोरोना में ये स्वच्छता को लेकर के, जैसे पान को थूकने से शुरू करें अगर हम, या सिंपल सड़क पे थूकने की बात करें, तो स्वच्छता को लेकर के एक विशेष जागरूकता की या विशेष एक पहल की समय आ जाएगा। जैसा कि हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की भी बात की, यही पोस्ट कोरोना में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। चुनौतियां बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, बहुत लोग झेल भी रहे हैं उन मुश्किलों को, और गरीबी में लोग पुश हो रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हम ओवरऑल एक समाज के एंगल से देखें तो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलेगा कि क्या हम इस पोस्ट कोरोना समय में अपनी आदतें सुधार पाएंगे, जो आदतें कभी नहीं सुधर पाई, बहुत जागरूकता मुहिम के बाद नहीं सुधर पाई। हमको सबको पता है कचरा बाहर नहीं फेंकना है, लेकिन जब कोरोना का डर रहेगा कि भाई इस कचरे में, जब मुझे पता रहेगा कि अगर ये कचरा किसी ने बाहर फेंका तो बहुत गलत किया, तो मैं लड़ने को तैयार हो जाऊंगा कि किसने फेंका है कचरा। यही एक सामाजिक जागरूकता है। तो क्या हम उस इंसेंटिव से बेहतर काम कर पाएंगे या नहीं, ये प्रश्न हम सबके ऊपर लागू है, देखते हैं क्या होता है। गुप्ता जी बिल्कुल, और ये अंतिम सवाल हम लोग ले रहे हैं कि हाउ आर यू डीलिंग विद मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया फेक न्यूज? फेक न्यूज को लेकर के हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं हम लोग, विशेष रूप से रायपुर में तो कई सारी फेक न्यूज पे FIR हुई हैं। कोरोना को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई फेक न्यूज व्हाट्सएप पे फ्लोट करते हैं या कोई पेपर में छपवाते हैं तो उसको तत्काल उसमें FIR कर रहे हैं। कई लोगों को इसमें बड़ी खतरनाक धाराओं में FIR हुई हैं और लोग इसमें बहुत ज्यादा डिस्करेज हैं। अभी 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लोगों ने अफवाह फैला दी थी रायपुर, धमतरी और कुछ जिलों के लिए कि नमक की बहुत कमी है और इस वजह से चिल्लर दुकानों पे नमक रेट अचानक से बढ़ गया था, जो और आप समझते हैं नमक हर किसी को जरूरत होती है, उससे बहुत फर्क पड़ गया था। तो उसको लेकर के भी रायपुर पुलिस ने 3-4 FIR दर्ज की, साथ में हम लोगों ने भी अपील जारी की, मीडिया इसमें बहुत साथ दे रहा है। मीडिया की भूमिका मैं बताऊं तो मीडिया भी कहीं ना कहीं अपने आप को, मैं जो देखता हूँ व्यक्तिगत, मेरा जो एक
कमेंट है इसको लेकर के, पूरी व्यवस्था को लेकर के। मीडिया जो पहले खोजता रहता था कि कहां किसका बुराई है, कहां किसमें क्या कमी है, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5 महीने में 2 महीने में कि मीडिया की भी ये सोच रही है कि कैसे लोगों को साथ में जोड़े, कैसे हम बेहतर आइडिया बताएं, कैसे हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मीडिया को भी समझ में आ रहा है कि उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है फेक न्यूज को कम करने के लिए। कुछ दिन पहले जब हमने विशेष रूप से मॉक ड्रिल की थी, आपको भी उसका आइडिया होगा कि मॉक ड्रिल जब धमतरी में हुई थी तो हमने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से उस मॉक ड्रिल को किया गया था। मात्र जिले में 4 या 5 अधिकारियों को उसके बारे में पता था कि ये मॉक है, क्योंकि हम वास्तव में देखना चाहते थे कि हमारा अमला कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है सभी चीजों को लेके। तो हालांकि हमने कुछ मीडिया के सीनियर प्रतिनिधियों को बताया था जो यहाँ के संघ के हैं, लेकिन वो खबर मीडिया तक नहीं पहुंच पाई थी। तो उसमें भी कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि वास्तव में कोरोना का केस आ गया है। तो मेरे पास जिन मीडिया साथियों का जिनका भी फोन आया, मैंने उनको क्लियरली बताया मॉक ड्रिल है और आप अभी 2 घंटे मत छापिएगा, क्योंकि हमारा फिर हमारे अमले को पता चल जाएगा तो फिर वो लोग सीरियस नहीं रहेंगे। तो उन्होंने भी उसमें पूरा सहयोग किया, नहीं तो आमतौर पे जो मेरा इंटरेक्शन है, हो सकता है कोई बोलता कि नहीं हम तो छापेंगे, हम कैसे ब्रेकिंग ना करें, लेकिन वैसा नहीं था। मीडिया का भी एक बहुत सकारात्मक अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि भाई अगर आप अपने अमले की तैयारी का जायजा लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जिले के लिए ये कर रहे हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट उसमें नहीं था। तो इसीलिए लोग ये चीज समझ रहे हैं, मीडिया भी समझ रहा है। और फेक न्यूज को लेकर के मैं जानता हूँ कि बहुत ही आसान था मीडिया के लिए बोल देना कि हाँ पॉजिटिव केस आ गया धमतरी में, लेकिन उन्होंने उसके बजाय पुष्टि करने की प्रयास किया, पुष्टि जब नहीं हुई तो उन्होंने नहीं छापा, 2 घंटा 3 घंटा वेट किया, जब हमने मॉक ड्रिल बोला सबको 4:30 बजे की मॉक ड्रिल थी तब सबने उसको क्लियर किया। तो मीडिया में कहीं ना कहीं एक जागरूकता है, और यदि व्हाट्सएप पे इस प्रकार के केस हैं तो आप तत्काल अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट का आपका संबंधित का कंट्रोल रूम होगा, और धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में आप सूचना दे सकते हैं, तत्काल उस पर FIR करके कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी हमारी चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से आपने बताया है, और गवर्नेंस के अलग अलग चैलेंजेस बताए, और बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। और चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इलेट्स में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, कि हम लोग जो ये संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं अबाउट गवर्नेंस इनोवेशन, जो हमारी मैगजीन है, कॉन्फ्रेंस है, और अभी हम लोग जो वेबिनार कर रहे हैं, आप उसमें आ चुके हैं, तो आपके इनपुट्स जो हम लोग के एफर्ट्स हैं उस पे आप कुछ बताएं। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं, क्योंकि कई लोग खास तौर पे जो लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हैं उनको ये तो मीडिया के माध्यम से पता चलता रहता है कि इतने केस बढ़े, इतने केसों का इलाज हो गया, इतने लोग मरे, अमेरिका में इतने आ गए, रशिया में इतने आ गए, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि रोजमर्रा में उनके खुद के जिले में, उनके खुद के शहर में किस तरह से कोरोना से डील किया जा रहा है, किस जो मेरी कुर्सी पे बैठा है वो क्या क्वेश्चंस को करता है। कई लोग हम लोग हर तरह के सवाल हमारे मन में जूझते हैं, लेकिन अगर आप इस कुर्सी पे बैठ के देखेंगे तो आपको हो सकता है कई चीजें ऐसी समझ में आए जो कि आपको अपनी कुर्सी पे बैठ के ना समझ में आए। तो मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्स की हमेशा से एक अच्छी सकारात्मक पहल रही है मीडिया के माध्यम, मतलब इलेक्ट्स एक ऐसा मीडिया पार्टनर है जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से, आपका जो जुड़ाव है पिछले 4 साल हो गए अभी हम लोगों को साथ में काम करते, अलग अलग जगहों पे हम लोग मिले हैं, नागपुर में, दिल्ली में, तो एक जो आपका अप्रोच रहता है कि कैसे प्रशासन को लोगों के पास लाएं, वो अप्रोच आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमने कई सारी चीजों पे चर्चा की, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे चर्चा की, इन सब का कहीं ना कहीं उद्देश्य यह है कि प्रशासन और लोगों में जो दूरी है कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक फ्यूडल मेंटेलिटी का हमको देश माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल किए, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग सिविल सर्विसेज को, IAS को, वो एक ब्रिटिशर्स के उस एंगल से देखते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, माई बाप टाइप का देखते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। हम लोग भी एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग अपनी ओर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेहतर सुविधाएं दें। हम भी कुछ उन्हीं सवालों से जूझते हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं, हम भी उनका प्रैक्टिकल समाधान क्या निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। आपकी ओर से यदि कोई सुझाव आता है, कोई कमेंट आता है, उसको हम भी यूज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग कोलैबोरेट करें तो बेहतर हम लोग सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है ये भी समाज द्वारा उत्पन्न की गई है और इसका सॉल्यूशन भी समाज में ही आता है। तो बहुत अच्छा आप लोगों का इलेट्स का, और आपकी जो मैगजीन भी आती है, आपके खुद के आर्टिकल्स भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छा आपका अप्रोच रहता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रयास को जारी रखें और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियोस देखें, जिससे उनको भी एक फील्ड पर्सपेक्टिव मिले, क्योंकि हम लोग कई बार एक कुएं में बंद के रह जाते हैं, तो एक अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, तो निश्चित रूप से एक इंसान के नाते हम लोगों की भी ग्रोथ होती है। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, और आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद रजत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जो ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जाना होगा कि
किस प्रकार से हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है इस वक्त ऐसी समस्या से जूझने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ही विस्तार से रजत जी ने एक एक पॉइंट के बारे में बताया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को मालूम हो कि सरकार जनता के साथ है, सरकार जनता को मदद करने की भरपूर कोशिश कर रही है, और खासकर धमतरी में जो इनिशिएटिव्स हुए हैं बहुत ही इंस्पायरिंग है, और हम सभी का जो विश्वास और मजबूत होता है कि हम लोग ऐसे सिस्टम में अभी हैं, तो हम लोग इसमें और आसानी से ऐसी जो है समस्या से जो है बाहर आएंगे और जल्दी आएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस। नमस्कार टू एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।